कुछ लोग जो पीपल ऑफ द बुक कहलाते हैं, उन लोगों का कहना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम की नस्लों में से थे और इनके फादर का नाम तारिक था। कहते हैं कि जब तारिक 75 साल के थे तब उनके 3 बेटे हुए, इब्राहिम, नाहूर और हरन। हरन का एक बेटा था जिसका नाम था लूत, और उन्होंने ये भी बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच वाले बेटे थे और हरन अपने पिता की जिंदगी में ही इंतकाल फरमा गए थे अपने जन्म स्थल पर, जो था चालंदीज का इलाका जिसे बेबलोनिया कहा जाता है। उस वक्त पर कुछ लोग लकड़ी के और पत्थरों के बुतों की पूजा करा करते थे और कुछ लोग सितारे, चांद और सूरज की पूजा करा करते थे और कुछ अपने बादशाह और हुक्मरानों को अपना भगवान मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी माहौल में पैदा हुए, एक आम परिवार में, लेकिन उनका परिवार भी एक आम मूर्ति पूजने वाला परिवार नहीं था। उनके पिता अपने हाथों से बुत बनाते थे। कुछ रिवायतों में कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही उनके वालिद यानी कि उनके फादर का इंतकाल हो गया था और उनके चाचा ने उन्हें पाला, जिन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बा कहकर बुलाया करते थे। और कुछ रिवायतों में कहते हैं कि उनके वालिद जिंदा थे और इसी परिवार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके नसीब में अपने परिवार के खिलाफ, अपनी कौम के पूरे निजाम के खिलाफ खड़ा होना लिखा था। सही मायनों में तो उन्हें हर किसी तरीके के शिर्क से जंग करनी थी। अल्लाह ताला ने तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही रोशनी और समझ दी थी। अल्लाह ने उनके दिल और दिमाग रोशन कर दिए थे और बचपन से ही उन्हें हिकमत दी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाकई हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके हिस्से की हिकमत पहले ही दे दी थी और हम उनके यकीन के हालात से खूब वाकिफ थे। बचपन से ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा कि वो बड़ी अजीबोगरीब मूर्तियां बनाया करते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि ये क्या चीज है जो आप बना रहे हो। उनके वालिद ने जवाब दिया कि ये देवताओं की मूर्तियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और तुरंत इस बात का इनकार किया। बचपन में वो इन मूर्तियों के साथ खेला करते थे, उनके ऊपर बैठ जाया करते थे जैसे लोग गधे और खच्चर के ऊपर बैठा करते हैं। एक दिन उनके वालिद ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मरदूत की मूर्ति पर सवार हैं, तो वो गुस्से से दहल गए और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि ये कौन सी मूर्ति है अब्बा, इसके कान हमारे कान से बड़े हैं। तो वालिद ने जवाब दिया, ये मरदूद है, देवताओं के देवता बेटा, उसके बड़े कान उसकी गहरी समझ को दर्शाते हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर जोर से हंसने लगे और उस टाइम पर उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। सालों बीत गए और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें ताकि आपको ये स्टोरी और इजिली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। बचपन से ही उनका दिल इन बुत परस्ती से नफरत से भर चुका था। उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी कि एक समझदार आदमी कैसे एक मूर्ति बनाता है और फिर उस चीज की पूजा करता है। उन्होंने देखा कि ये बुत न खाते हैं, न पीते हैं और न बात करते हैं, और अगर इनको कोई उल्टा कर दे तो ये अपने आप को सीधा भी नहीं कर सकते हैं। फिर लोग ये बात कैसे मान सकते हैं कि ये बुत इनको फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोगों का एक बहुत बड़ा मंदिर था जहां पर लोग बहुत सारे बुत रखा करते थे और बीच में एक छोटा सा हिस्सा था जहां पर सबसे बड़े देवता की मूर्ति रखी जाती थी, जो कि अलग अलग क्वालिटी और शेप की थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में अपने वालिद के साथ मंदिर जाते थे तो उनका दिल इन लकड़ी और पत्थर की मूर्ति से बढ़ती हुई नफरत से बढ़ जाता था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती थी जब वो देखते थे कि लोग मंदिर में घुसते ही उन मूर्तियों के आगे झुक जाते थे रोते और गिड़गिड़ाते हुए, जैसे कि इन मूर्तियों ने उन्हें सुन लिया हो या समझ लिया हो। शुरुआत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये सब देखकर हंसी आती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगा। क्या ये अजीब नहीं था कि इतने सारे लोग धोखा खा गए हैं? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके वालिद चाहते थे कि जब इब्राहिम बड़े हों तो वो भी पंडित बन जाएं। उनके वालिद को अपने बेटे से सिर्फ ये उम्मीद थी कि वो भी इन मूर्तियों की इज्जत करें, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी इन नफरत
का इजहार करना कभी नहीं छोड़ा। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और एक पहाड़ी की तरफ चले गए। अकेले अंधेरी रात में चलकर उन्होंने एक गुफा को चुना। जहां वो बैठे उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्हें याद आ गया कि वो सितारे और चांद को देख रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग जमीन पर पूजते हैं। उनके नौजवान दिल में एक गहरा दर्द भर गया। उन्होंने सोचा, चांद, सितारे और ग्रहों के परे क्या है, यानी कि अल्लाह। और वो हैरान हो गए और सोचा कि लोग इन आसमानी जिस्मों की पूजा कैसे कर सकते हैं, जबकि अल्लाह ने ये सब चीजें सिर्फ अपनी इबादत और हुक्म मनवाने के लिए बनाई है। ये सब अल्लाह के हुक्म पर आती और जाती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से बात की जो आसमानी जिस्मों की पूजा करा करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने बयान किया। और इस तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की बादशाहत का नजारा करवाया, ताकि वो उन लोगों में से हो जाएं जो यकीन रखते हैं। रात ने उन्हें अंधेरे में ढूंढ लिया तो उन्होंने एक सितारा देखा और कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें पसंद नहीं करता जो डूब जाते हैं। जब उन्होंने चांद को उठते हुए देखा तो कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत नहीं दी तो मैं भी उन गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। और जब उन्होंने सूरज को निकलते हुए देखा तो कहा, ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उन्होंने कहा, मेरे लोगों, मैं इन सब चीजों से जो तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, मैंने अपने रुख उसकी तरफ कर लिए हैं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, एक सच्चे मजहब का मानने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ और मैं मुशरिकीन जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं उनमें से नहीं हूँ। उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस करना शुरू कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे बहस कर रहे हो, जबकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है। मैं उन लोगों से नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। मुझे सिर्फ वही चीज नुकसान पहुंचा सकती है जो मेरा रब चाहे। मेरा रब सब कुछ जानता है और उसके इल्म से कुछ भी छुपा नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते, और मैं उन दुश्मनों से क्यों डरूं जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, जबकि वो मुझे ना फायदा दे सकते हैं और ना नुकसान। जब तुम उन चीजों से नहीं डरते जो अल्लाह के साथ शरीक बनाई है, जबकि अल्लाह ने तुम्हें इसकी कोई दलील नहीं दी है, तो कौन सा ग्रुप ज्यादा हकदार है अमन में रहने का? अगर तुम समझते हो तो जवाब दो। वही लोग जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं और सिर्फ उसकी इबादत करते हैं और अपने ईमान को जुल्म शिर्क से मिलाते नहीं, वो लोग असल में अमन और हिदायत पाने वाले हैं। इस डिबेट में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये वाज़े किया कि और अल्लाह के साथ शरीक बनाए जाने के लायक नहीं। ये जिस्म सिर्फ अल्लाह का बनाया हुआ और उसके हुक्म से चल रहा है। ये कभी दिखता है और कभी गायब हो जाता है, लेकिन अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी नजर से कुछ छुपा नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। इब्राहिम ने दो बातें वाजे की, पहला कि ये आसमानी जिस्म इबादत के लायक नहीं है, और दूसरा ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से एक रात और दिन, सूरज और चांद है। तुम सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें बनाया, अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलीलों ने वाकई हक को सामने ला दिया, लेकिन उनकी कौम चुप बैठने वाली नहीं थी जो सितारा और ग्रह की पूजा करा करती थी। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकी देना शुरू कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में मुझसे बहस कर रहे हो, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी है। वो लोग जो अल्लाह की वादानियत यानी कि अल्लाह एक है को मानते हैं और अपने ईमान को जुल्म से गंदा नहीं करते, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत पर हैं। पहली किस्म के लोग जो सितारे और ग्रहों की पूजा करा करते थे, उनका पर्दा गिर गया। अब अगले स्टेप में दूसरा ग्रुप सामने आता है जो कि बुत परस्ती करता था, यानी कि मूर्तियों की पूजा। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर मर्तबा दलील दी जब भी उन्होंने अपने लोगों के साथ बहस की। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके लोगों के खिलाफ दी, हम जिसे चाहे दर्जात में बुलंद करते हैं। तुम्हारा रब यकीनन सब कुछ जानने वाला है, हाकिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कोशिश की कि अपनी कौम को अल्लाह ताला की वादानियत पर पूरा यकीन दिलाएं और सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दें। उन्होंने अपने वालिद और अपनी
कौम से कहा, ये क्या मूर्तियां हैं जिन पर तुम लोग इतनी शिद्दत से आस्थाएं करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को उनकी पूजा करते हुए पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास सच लेकर आए हो या मजाक कर रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम्हारा रब तो आसमान और जमीन का रब है जिसने उन्हें पैदा किया, और मैं इस बात पर गवाह हूँ। अभी तक की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जंगें फिर भी वो संभाल सकते थे, क्योंकि अभी तक ऐसे लोगों से जंग हो रही थी जो कि फैमिली से दूसरे थे। अब जो जंग होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो खुद उनके अपने वालिद के साथ यानी कि फादर के साथ होगी, यानी कि फादर वर्सेस सन। और इसके बाद क्या होता है हम जरूर जानेंगे।